La 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 la. Ho 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 ho. Ah ha ha. La 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 la. अब्बा मैं कौन सी शर्ट पहनूं? ये वाली है, ये वाली। बेटा तुम एक काम करो, बनियान और ट्राउजर पहन लो। क्या? अरे मजाक कर। चलिए बेटा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या मेरे लिए नया सूट लाए? नहीं नहीं, तुम शादी में नहीं जा रहे, तुम घर में रुको। भाई वो क्यों? बेटा मैंने बहुत सोचा, मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी कौन है पता है? कौन? शेरी। आज पानी आने का दिन है, तुम घर पे रुक के मोटर चलाओ और पानी भरो, हम लोग शादी निपटाके आते हैं। नहीं 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 अब्बा भाई, मैं भी चलूंगा, ये कोई बात नहीं। अरे शेरी बेटा तुम जिम्मेदार हो, तुम कब समझोगे अपनी जिम्मेदारियों को? अरे हशू बताओ ना मैं कैसी लग रही। अरे वाह, कंगना रनावत के घर में काम करने वाली भी क्या तैयार होती होगी जो तुम हो। अल्लाह कभी तो तारीफ कर दिया करे मेरी। पता नहीं वो कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों की तारीफ में कसीदे पर कसीदे लिखते हैं। वो शौहर नहीं जनमुरीद होते। जाके गाड़ी में बैठो, गाड़ी वाला शोर कर रहा है। तुम यहीं खड़े रहना। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, बच्चे को जिम्मेदारियां समझा के आ रहा हूँ, तुम जाओ जाके बैठो। बेटा मेरी बात समझो। शेरी 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 अभी तक आप तैयार नहीं हुए। शेरी शादी में नहीं जा रहा, शेरी घर में रुक के पानी भरेगा। सुल्तान भी भर सकता है पानी? सुल्तान गाड़ी का किराया दे सकता है, तुम दे सकते हो? शेरी बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? हंस कर दो भाई, और लड़की किस तरह के फालतू सवाल पूछ रहे हो? शादी सुल्तान से की है, पूछ शेरी से रही है, कैसी लग रही हूँ मैं? हस्मत अंकल। अबे चलो भाई जाके गाड़ी में बैठो, बच्चे की हटा रहे। शेरी बेटा इंसान की जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आते हैं, कुछ मुश्किल फैसले करने पर। तुम्हारी जिंदगी में यही मुश्किल वक्त। बिस्मो बीबी आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज बंद करो ये झूठी तारीफ करना प्लीज। और शेरी भाई पापा ने बताया आज आप शादी में नहीं जा रहे, आप घर में ना तो मेरा एक छोटा सा काम कीजिएगा, मेरी बिस्मा बीबी के ना कुछ कपड़े पड़े हुए वो प्लीज आप प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ ध्यान से प्रेस करना, जला मत देना। रस अपनी बेगम को लेके दफा जो, नहीं तो तुम्हारा गला घोट दूंगा मैं। चलो भाई फालतू की बातें कर रहे हैं, चलो भाई जाके गाड़ी में बैठो। बेटा तुम भी अंदर चले जाओ, आते जाते तुम्हें तंग कर रहे हैं। बेटा ये लो प्लीज, बेटा प्लीज। इतनी देर से कमरे में आप लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही है, वक्त क्यों बर्बाद करें, जल्दी चले। रोज बेटा कमाल है, तुम्हारी बेगम तैयार हो गई, मेकअप भी कर लिया, लेकिन फिर भी नजाकत नहीं आई। पापा आपको शर्म आनी चाहिए इतनी खूबसूरत बहू के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। खूबसूरत खुदा का खौफ करो, मर के अल्लाह को मुंह नहीं दिखा रहा तुमने। चलो भाई जाके गाड़ी में बैठो, भाई शोर कर रहा है भाई, जाओ भाई जाओ। ये नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ये, जाओ भाई तुम जाओ। क्या खराब कर रहा है शरी बेटा, मेरी बात सुन बेटा, तुम जो बोलोगे मैं लाके दूंगा, जो भी चीज, जो भी। अच्छा मेरे लिए डिनर ले आएगा? ठीक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? निहारी कोरमा उसका पूछ रहा हूँ मैं, नान लाऊ, ताफ्तान लाऊ, खीर लाऊ, लबी सीढ़ी क्या लाऊ? सब लेंगे। हाँ ले आऊंगा, शॉपर रख लिया, अगर सरस मिला तो सब लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, पानी याद से भर लेना, ठीक है? ओके बाय। मुझे छोड़ के चले गए। बेगम माना क्या आपका गुस्सा इंतहाई हैबतनाक है, मगर पानी बंद कर देना ये कहाँ की शराफत है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने कोई पानी वानी बंद नहीं किया, जरूर तुम्हारे बाप की हरकतों की। ए, तुम्हारी बीवी तुम्हें जलील करते करते मेरा जिक्र क्यों बीच में ले आती है? आपको शर्म नहीं आती हर वक्त हमारी छुप छुप के बातें सुनते रहते? मैं कोई छुप कर बातें नहीं सुन रहा था, मैं चहलकदमी कर रहा था, गुजरते हुए फिरोज की बेइज्जती की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, उसके बाद जब मेरा नाम आया तो मैं बीच में बोला। फिर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सुबह सुबह कौन सी चहलकदमी होती है? चाहे इंसान उसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, बाप यहाँ तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, उल्टा बीवी के साथ मिलकर बाप को ही डिग्रेड कर रहा है। अरे यार पापा मुझे ऑफिस जाना है, पानी नहीं है, देर हो रही है मुझे। सुबह जल्दी उठना चाहिए था, रात को बीवी से पिटकर सोएंगे तो यही होगा। अब जाके नीचे मोटर चला लो, यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पानी की मोटर नहीं चला सकते? तो मुझे क्या पता कि पानी नहीं आ रहा, बेवकूफ कहेंगी। देख लो मैं चला रहा हूँ मोटर। बेगम बड़ा अजीब लगेगा, आप चलिए। मैं बना हूँ सिर्फ बेबी के लिए, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। बेबी के लिए इतने अच्छे कपड़े दूंगा, मेरी बेबी मुझसे खुश हो जाएगी। बेबी बेबी ले ये ना, पानी को क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा, बेबी को बताओ। बेबी 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 पानी खत्म हो गया। पानी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं बेबी, अगर पानी नहीं आया तो सरफ में डूबे तुम्हारे कपड़ों का रंग हल्का पड़ जाएगा, तुम पर डार्क रंग बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज तारीफे करना बंद करो, जाकर मोटर चलाओ। अरे बेबी तुम देख रही हो मेरे हाथ गीले हैं, अगर मुझे करंट लग गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा अरे वो देखो वो सामने टॉवल पड़ा है, हाथ साफ करो और जाकर मोटर चलाओ। थैंक यू बेबी, थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आ रहा था। हाँ मगर अब नहीं आ रहा, मुझसे ये
साबुन की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी कुछ कीजिए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा मैं हर्षवर्धन से पता करती हूँ, सब्र करें। अरे अशु ये कलर कैसे अजीब अजीब से हो रहे हैं इसमें? अरे ये ब्यूटी फिल्टर है, इसमें काला आदमी भी गोरा नजर आता है। हाँ अशु देखे ना आप कितने गोरे नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है तुम्हारा, मैं वैसे भी फोटोजेनिक हूँ और मेरा चेहरा लाइट में ग्लो करता है। ओहो गिलू, अरे हाँ गिलू से याद आया, मुझे ना कल शादी में नजर लग गई है, लग रहा है किसी की। शायद मेरी नजर ही लग गई। अरे तो माशाल्लाह कह देते ना अशु। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ज्यादा मत खाओ, लेकिन माशाल्लाह तुम्हारी खुराक इतनी अच्छी है, वो पड़ोसी भी कह रहे थे कि भाभी बहुत खाती। सारी शादी छोड़कर तुम मेरे खाने की प्लेट पर नजर रखे हुए थे हैं? अरे मैं अपनी खूबसूरती की बात कर रही हूँ, उस पर नजर लग गई होगी मुझे। खूबसूरती? अरे खूबसूरती से याद आया, वो नाजिया कितनी खूबसूरत लग रही थी ऑरेंज साड़ी में। नाजिया कौन है? अरे भाई वही जिसके शौहर ने उसे पिछले साल डिवोर्स दी है। सारी बेवाओं और सारी तलाक याफ्ताओं पे नजर रहती है अशु आपकी। मैं सिर्फ मदद की नियत से नजर रखता हूँ बस। वैसे ही हर जगह पे आजकल पानी का मसला चल रहा है, अगर आज घर में पानी नहीं आया तो कैसे गुजारा करेंगे? क्या मुसीबत हो गई और ये अब तक क्यों सो रहा है? गुस्से में सो रहा होगा। गुस्से में कौन सोता है? ये तो हर्षवर्धन को पता होगा। क्या हो गया भाई, क्यों तुम लोग शोर मचा रहे हो? पूरे मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं कि इस घर की लड़कियां बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। कुछ तो खौफ करें, सबसे ज्यादा आप ही चीखते हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा है घर में? तरह चिल्लाने से तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर किस तरह से आएगा पानी? फिर उसको ऑफिस में जाना है। सुल्तान साबुन लगाकर वॉशरूम में फंस गए। हमारा शौहर हमेशा अपनी बेवकूफी की वजह से फंसता है, उसे साबुन लगाने से पहले नलका खोल के चेक करना चाहिए था कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हर कोई आपकी तरह शातिर तो नहीं होता ना। चेक कॉमन सेंस कहते हैं जो तुम्हारे शौहरों में बिल्कुल नहीं है। फिर उसको भेजा था मोटर चलाने के लिए, क्या हुआ? पापा मोटर चलाने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि टैंक में बिल्कुल पानी नहीं। क्या टैंकी में पानी नहीं है? फिरोज तुमने चेक किया? बहरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब यानी कि मैं आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। एक दिन अगर बगैर नहाए ऑफिस चले जाओगे तो मर नहीं जाओगे। ना घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी है, ना खाने पकाने के लिए पानी, कहाँ गया सारा पानी? अरे नाश्ता कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा भाई? अरे भाई सब लोग ऐसे पूछ रहे जैसे सारा पानी मैं पी गया, तुम लोग भी तो इस्तेमाल करते हो। सुल्तान कैसे बाहर आएंगे, कुछ सोचा है आपने? बहरोज गली के कोने में पंचर वाले की दुकान है, उसके बड़े टब के अंदर पानी होगा, एक बाल्टी पानी भर के ले आओ। आ गया। क्या हो गया मुझे, पंचर के पानी से नहलाएंगे आप? क्या हो गया आपको भाई? मैं क्या बुराई है, वैसे भी आजकल हुकूमत सिखा रही है कि पानी को रिसाइकिल किस तरह किया जाता है ताकि हाल के जंग में हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे कौन सी जंग होने वाली है? अपनी फजूल की लॉजिक सामने पास रखें और पानी के मसले को हल करें। अरे क्या बात कही आपने बेगम। बस कर जाओ जनमुरी, लानत तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। ये शादी जो है ना ब्लू व्हेल गेम की तरह, जिसमें बीवी शौहर को मुख्तलिफ टास्क देती है और आखिर में शौहर खुदकुशी कर लेता, यही अंजाम फिरोज और बहरोज का। आप तो सबको मार के ही मरेंगे। ये देख रही हो मुझे मरने की बद्दुआ दे रही है। अरे मरने मराने की बातें छोड़ो हशु, और जाकर शहरी को उठाकर ये पूछो कि उसने पानी भरा है या नहीं। हम उसे छोड़ के इसलिए गए थे कि वो पानी भर के रखे। शहरी बहुत जिम्मेदार बच्चा है, उसने पानी भरा होगा, इन लोगों ने जाया कर दिया। क्यों, हमारा क्या दिमाग खराब है? हो भी सकता है, शहरी ऐसी गलती नहीं कर सकता। शहरी बेटा, शहरी, शहरी, शहरी बेटा, शहरी बेटा, बेटा पानी भरा था रात में, मोटर चलाई थी? हाँ वो चिल्लाई थी। कौन चिल्लाई थी, मोटर चलाई थी या नहीं चलाई थी? हाजी सिफ्त शिकन, बड़े चलो बड़े चलो। क्या बोल रहे हो बेटा, पानी भरा था रात में? गोलियां भर ली थी पिस्तौल में। क्या महास पे जा रहे थे क्या, बिल्कुल पागल हो गए? शहरी बेटा पानी भरा था रात में, 15 लोग थे साथ में। कौन बता लो, उठो उठो, ठीक से जवाब दो, ठीक से जवाब दो, पानी भरा था रात में, मोटर चलाई थी या नहीं चलाई थी? पापा वो फिल्म देख रहा था, भूल। अरे शेरी क्या करते हो बेटा, अब घर में पानी नहीं है, तुम्हें रात को इसलिए छोड़ के गए थे घर में फिल्म देखने के लिए? अब बताओ, गैर जिम्मेदारी की हद हो, फिर तुम मुझसे कहते हो मैं तुम्हारी शादी नहीं करा। ये देखो फिर सो गए, ये लेकर सो रहे साथ में। उठो, ये कौन सा कैरेक्टर है ये? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, क्या बिल्कुल पागल हो गए, कौन सा कैरेक्टर है ये? डोनाल्ड डक भी नहीं है ये, इसकी तो दुम भी नहीं है। अच्छा सुनो, ये मैं रख लूं? देख लो मुकरना नहीं फिर है राजा। ओके ओके थैंक यू। रुकैया ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, हैप्पी बर्थडे। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? खैरियत? इनको देखो कैसे अनजान बने हुए। जब तक पानी का मसला हल नहीं हो जाता ना, हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने भाई, 2,000 रुपए निकालो, टैंकर आएगा। क्यों निकाले पैसे, शहरी ने क्या कहा है? अरे शहरी कह रहा है कि वो बेचारा सो गया था फिल्म देखते देखते, पानी भरना भूल गया। हाँ दे लापरवाही की भी, अभी तो आप कह रहे थे कि वो बहुत जिम्मेदार है। मैंने गलत कहा था? पापा अगर मेरी बेबी के कपड़े खराब हुए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ पानी का बोरान हल होना चाहिए भाई, 6,000 निकालो, टैंकर 6,000 का आएगा। हर्षवर्धन अंकल
6,000 रुपए क्यों? 3,000 का टैंकर आता है। पहले आता था, अब महंगाई हो गई है, ब्लैक में टैंकर 6,000 का मिल रहा है। पापा मुझे यकीन है कि आप हमें लूट रहे हैं। बूढ़ा बाप तपती हुई धूप में जाएगा औलाद की खातिर वाटर हाइड्रेंट से टैंकर लेने के लिए और ये बाप पे शक कर रहा है। अफसोस। नहीं पापा नहीं, आप मत रोइए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू बेटा। अगर आज पानी नहीं आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम चांद पर चली जाना। हाँ भाई निकालो पैसे, निकालो पैसे, निकालो। हाँ फिरोज और सुल्तान 1,000 एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि भैरोज कमाता नहीं। भैया प्लीज आप मेरे हिस्से के भी पैसे दे दे, मैं आपको वापस 50-50 रुपए करके लौटा दूंगा। बच्चा ला बच्चा ला बेटा पैसे, ला इधर निकाल पैसे। तभी ठीक है, चलो जा भाई जा सुल्तान, चलो तुम जा। रोना धोना बंद करे बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तो तुमने नाश्ता कैसे बना लिया? पानी तो आ ही नहीं रहा था। अब वो मैंने ना सबसे छुपा के 2 बोतलों में पानी भर लिया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे बच्चे भूखे और मैं नाश्ता कर लूँ? हशमत इतना बेगैरत नहीं है रुकैया। अल्लाह हशु को कितना ख्याल है अपने बच्चों का। ओके दादा नाश्ता हो रहा है, मजे मजे। अचमत भाई कैरियर तो है, घर वालों ने निकाल दिया क्या जो बाहर नाश्ता कर रहे हो? अरे ये बताओ तुम्हें तमीज छू के गुजरी या नहीं गुजरी? दूसरों की प्लेट से इस तरह खाते और मेरी मर्जी घर पे नाश्ता करूँ या बाहर करूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? अचमत भाई एक निवाला तो खाया और साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है। नहीं नहीं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं बढ़ानी, अंडा खाना है तो अपना अलग से मंगा लो। अलग से मंगा लूँ? जो दिल चाहे मंगवा लो, जो दिल चाहे मंगा लूँ। भाई 2 पराठे 2 अंडे और मलाई है, चीनी मार के मलाई भी ले आना और लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लाना, चाय दूध पत्ती मलाई मार के। ना खाना पहले कभी खाया तुमने एक साथ? नहीं खाया तो अब खा लेंगे। ठीक है तुम खाओ, मैं निकल। आप कहीं आ रहे हो? अरे बेटा वाटर हाइड्रेंट जाना है पानी का टैंकर लेने के लिए, जब तुम्हारा ये दोसक भर जाए तो तुम भी वहीं आ जाओ। दोसक भर गया? हाँ भाई, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक चाय पराठा अंडा मंगाया है, पेट में दोसक की आग लगने वाली है, आ जाना फिर वहाँ। जी जी बिल्कुल, पैसे दे जाना। बात भाई अल्लाह तुम्हारी जिंदगी लंबी करे, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा। भाई जल्दी ले आ। अरे भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं इसी गली में रहता हूँ, वो दरअसल हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, आप बराए मेहरबानी मुझे 2 बाल्टी पानी दे दे। वैसे तुम मुझे दिखे दिखे से लग रहे हो, तुम वही हो ना जिस घर में बार बार पुलिस आती है? नहीं तो आप किस घर की बात कर रहे हैं? क्या नाम है उस चिटर बुड्ढे का? हशमत, हशमत के बेटे हो ना? जी भाई, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, सारे मोहल्ले को परेशान करके रखा हुआ है। इंसान रहते हैं या हैवान, सारी गली गूंजती रहती है तुम्हारी आवाज से। पर मुझे तो थोड़ा पानी चाहिए था। नहीं मिलेगा पानी वानी, चलो इधर जाओ। आप मेरी भाई साहब हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए। भाईजान आए कहाँ से हो आप? अरे भाई वो उस सामने ब्राउन कलर का बड़ा सा गेट नहीं है जिस घर में बार बार पुलिस आती है, मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं आया हूँ, उसके जो बिल्कुल पीछे घर है ना बड़ा सा, मैं वहाँ से आया हूँ। वाह भाई वाह, तुम यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने अच्छा नहीं किया यहाँ बैठ कर। नहीं नहीं नाश्ते के पैसे नहीं देकर। मैंने तुमसे कब कहा था कि नाश्ते के पैसे मैं दूंगा? मैं चक्कर में था, पैसे तुम दोगे, तुमने तो कहा था जो मंगाना मंगा लो। अरे वो तो मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत कहा, इंसान को 1,000 फिक्रे होती है, खाते वक्त रिलैक्स फील करना चाहिए। मैंने आपके चक्कर में दबा के खाना मंगा के खा लिया और तो और मेरे पैसे तो दूर की बात, अपने पैसे भी मेरे पल्ले मार के चले गए। चलो कोई बात नहीं, इस दफा तुमने दे दिया, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा। वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगी, गरीब की बद्दुआ से डरो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई अमीर जिंदा नहीं होता। एक काम करो ये रसीद पकड़ो और पानी का टैंकर लेकर आ जाना, मैं ज्यादा देर गर्मी में नहीं बैठ सकता, बहुत धूप हो रही है। मैं लेके नहीं आऊंगा टैंकर, इसके भी पैसे नहीं दिए हुए। अरे दे दिए पैसे भाई, रसीद में तो नहीं लिखा हुआ? इंतजामिया ने नहीं लिखा हमें इससे कि हमें टैंकर से मतलब होना चाहिए। क्यों नहीं लिखा? अभी जाके कंप्लेंट करता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की, करप्शन करना सबका हक है, तुम अपना काम करो, जितना बोला उतना करो, ला वजह होशियार बन रहे। अबे ये फिर फंसवाएगा। ओ भाई ये टैंकर कौन देगा?
आप देखो। पूरे घर में एक बूंद पानी नहीं है और तुम यहाँ कपड़े धो रहे हो। हद है भाई। अरे शरीफ भाई, ये पानी जाया मत करे, ये पानी तो मेरी बिस्मा बेबी के लिए है। क्यों, बिस्मा बाल्टी से पानी पिएगी? शरी, तुम तो इस पानी को हाथ भी मत लगाना। क्यों नहीं लगाऊं इस पानी को हाथ? क्योंकि ये सारा मसला तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम कल रात को पानी भर लेते तो आज हमें ये परेशानी नहीं होती। अब अस्पताल कल का टैंकर लेने। सबके सब चलेगा, अकेला मुझे छोड़ के शादी में। अब निपटो। शेरी, तो अपना इलाज करवा लो तो बेहतर है। तुम्हारा सुल्तान कहाँ है? क्यों, सुल्तान से क्या कहना है? जो भी कहना है मुझसे कहो। लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? अबे तू मेरे मुंह पे कपड़े क्यों झड़का जा रहा है? शेरी, तुम सिर्फ मार कुटाई करते रहना। ये नहीं कि बाहर जाके पता करो कि पानी सिर्फ हमारा बंद हुआ है या सबका। बेवकूफ, चले बाजी। अपने शौहरों को कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोल के जाएंगी। हर वक्त मारते रहते, रोमांटिक बनी है। पानी आ गया, बनाऊंगा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा दौड़ा। वो शेरी रुक, चल एक पानी की टंकी को लेके ऊपर। अबे जब गधा है तो तू क्यों गधा बना हुआ भाई? ओ भाई, बहुत दूर से आ रहे हैं, बेचारा गधा थक गया था, कर रहा था, ये मैं गधा बन गया। और ये पानी की टंकी किसने मंगवाई? मत भाई ने बोला था। बे अब्बा ने तो टैंकर मंगवाया था, ये तो गधा गाड़ी है। ओ, टैंकर का लोचा तो उसी को पता होगा, ये मुझे नहीं पता क्या पट चल रही है। फिलहाल पानी की टंकी उतरवा, चल। अरे ये इतनी सी टंकी हमारे कुनबे के लिए कम नहीं रहेगी? लेटरूम में टंकने वाली टंकी मंगवाई है हशमत अंकल ने। इस चूल्हे पर पानी को कौन कौन इस्तेमाल करेगा? मतलब हशमत अंकल ने फिर से पैसों में डंडी मार ली। ये इंसान इतना तेज है ना कि मोजे की जोड़ी को भी सीधा उल्टा करके दो दो बार बेच सकता है। अरे भाई टैंकर ना सही, पानी की टंकी तो आ गई, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमें है ना ऐसी 8-10 टंकियाँ और मंगा लेनी चाहिए। जब सबकी अलग अलग टंकी होगी फिर किसी को परेशानी नहीं होगी पानी की। बहरोज प्लीज अपने 2 रुपए वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो। वो अस्मत भाई, अस्मत भाई, हद हो गए भाई, कहाँ है अस्मत भाई? बताओ इतनी अजाब पानी की टंकी, ऐसा लगता है इसके अंदर पत्थर डाले हुए, मां कसम हिलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे होंगे यही कहीं छुपे हुए होंगे। अम्मा तुम ही बताओ, इतनी छोटी सी टंकी 6,000 की तो हो ही नहीं सकती। मुजाहिद कितने की आई ये टंकी? भाई टंकी की रसीद पे ना पैसे नहीं लिखे हुए थे, ये लिखा हुआ था टंकी ले लो पानी की। तो गधा गाड़ी वाला किराया मांग रहा है? अबे उसको काहे का किराया दूं, पुल से उतरने के बाद चल के ही नहीं दे रहा था, गधे को साइड में चलवाया, मैंने खींचा कर रहा था। ओफो, इस घर में रहने से बेहतर है मैं किसी होटल में रह लूं। मैं फिरोज को फोन कर रही हूं, मैं जा रही हूं यहां से। चलो भाई। हेलो फिरोज, किसी होटल में रूम बुक करो, जब तक पानी का मसला हल नहीं हो जाता हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। वैसे अम्मा ये सही है, इस घर में जिसके पास भी पैसा है ना परेशानी के वक्त वो ये घर छोड़कर चला जाता है। अब क्या किरण भाभी एक दिन के लिए परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? अरे बेटा जिसका शौहर कमाता है ना, नखरे भी उसी की बीवियाँ करती हैं। तुम भी अपने शौहर से बोलो ना कुछ कमाया करे। भाई हद है, आप लोग पानी जरा एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अरे तो हमने कौन सी पानी की नदियाँ बहा दी हैं? अरे बेटा बूंद बूंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पैसे सिर्फ सुल्तान ने दिए और पानी सब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो गया उस बवाची सुल्तान भाई ने? कोई अकेले पैसे नहीं दिए, फिरोज भाई और बहरोज भी शामिल है। एक्सक्यूज मी, बहरोज ने पैसे उधार लिए। हाँ तो दे देगा वापस? हाँ भाई, मुझे तो अपने हस्सियों पे बड़ा फकर है, वो कुछ ना कुछ पैदागिरी कर ही लेते। अम्मा यही तो उनकी हरकत है, वो जिस तरह कमा रहे ना एक दिन ऐसे ही सब निकल जाएगा। ए लड़की शर्म कर, बाप को बदवाएं दे रही है तू। लो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तो आप लोग खुश हैं, पानी का इंतजाम कर दिया है मैंने। अरे हशू, फिरोज और किरण ना घर छोड़ के चले गए। क्या फिरोज घर छोड़ के चला गया? अब घर का खर्चा कौन उठाएगा? अरे भाई घर छोड़ के नहीं गए, होटल में गए जब तक पानी नहीं आता। अच्छा यानी होटल में पैसे खर्च करना गवार है लेकिन घर में कोऑपरेट नहीं करेंगे? या तो था कोऑपरेट आपके साथ, अब पानी के टैंकर की जगह गधा गाड़ी उठा के ले आए। गधा गाड़ी? जी हाँ, मुजाहिद गधा गाड़ी पे एक छोटी सी पानी की टंकी रख के लेकर आए। यकीनन मुजाहिद हमें धोखा दे रहा है। शेरी मैंने उसे टैंकर के पैसे दिए थे, वो गधा गाड़ी लेकर आया। शेरी मुजाहिद जहाँ भी है उसे पकड़ के छत के ऊपर लेकर आओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अरे हशो देख के पानी इस्तेमाल करना, बड़ी मुश्किल से आया। भैया पानी के लिए सबसे ज्यादा ख्वारी मैंने बर्दाश्त की है, अब मुझे कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे बता रहे हैं। वो बाजी बोलो, अब इनको कौन समझाए? दे हमारे पैसे, इतनी आसानी से तू हमारे पैसे कैसे आरोप कर सकते? दे पैसे। अश्वत भाई समझाओ ना इसको, अश्वत भाई। अरे शरी छोड़ दो इसे भाई, मैंने इसे माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे माफ कर दिया, इतनी आसानी से हमारे पैसे कैसे खा सकता है ये? शरी जब मैंने माफ कर दिया तो माफ कर दिया, छोड़ दो इसे। अरे क्या माफ कर दिया, बताओ ना इसको, ये 2 नंबरी सब तुम्हारी है। मारे से शरी, दोबारा मारे। अच्छा अच्छा गलती हो गई, अश्वत भाई माफ कर दो। अश्वत भाई छोड़ दो
भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज भी पानी नहीं आया तो कल क्या होगा, दोबारा टैंकर मंगाना पड़ेगा। अब्बा सीवीओ का पानी तो साफ होगा। तुम्हें पीना है क्या? अरे नहीं, मैंने सुना है समंदर के ना दरमियानी हिस्से वाला पानी ना साफ होता है। बिल्कुल बकवास बात है, पता नहीं किसे सुन ली। अगर होता भी हो साफ तो इतनी अंदर तुम्हारा बाप पानी लेने जाएगा। अरे तेरा भाई लेकर जाएगा, बस आने जाने में 6 महीने लग जाएंगे। वो कैसे? अबे भाई केटी बंदर से जहाज जाएगा बेरिन सामान उतारने के लिए, फिर हम बीच समंदर से पानी भर लेंगे। लेकिन ये तो 1 हफ्ते का काम लग रहा है। अबे वाह भाई, इतना बड़ा जहाज कोई पानी भर के वापस चोरी आ जाएगा, अपना सामान उतारेगा फिर आएगा। दिल चाह रहा है तुम दोनों को उसी समंदर में ले जाके डुबा दूं। एक से एक बेवकूफ है, बैठे रहो यहाँ पे। देख भाई, केमाड़ी पे चलते रुपट्टा लेके वो डब्बे के ऊपर बांध के पानी भरेगा, छन के आ जाएगा, साफ होगा। क्या मुसीबत है, पानी इतनी जल्दी खत्म हो गया है? अरे बाद में बात करेंगे, अभी क्लाइमेक्स चल रहा है, अग्नि बता रही है। भाड़ में गया आपका क्लाइमेक्स, अब क्या फिर हम कल प्यासे रहेंगे? अब ये कौन है? अरे यही तो है कांचा सिन्हा, इसने अमिताभ के बाप को मारा था। अरे पापा, बिस्मा से कुछ पूछ रही है, आप उसे बताएं कि कल के पानी का हिसाब किताब क्या होगा। क्या तमाशा है ये, पानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? जितनी तेजी से इस्तेमाल किया है उतनी देरी से ही खत्म हुआ है। पीने तक का पानी खत्म हो गया? तो ऐसा क्या गजब हो गया, पानी वाला नहीं आया था क्या? अबे भाई सटिया गए हो क्या? अगर आया होता तो ये लोग आपसे थोड़ी पूछते। शरी धक्के मार के इसे बाहर निकालो, थोड़ी देर के लिए क्या बुला लेते, सर पे चल के बैठ जाते। अरे नहीं दादा दादा दादा, और बात सुनो, हो सकता है आज रात भी पानी ना आए तो सुबह टैंकर लाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ मत लाइएगा, हम खुद कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। वैसे सच सच बताएं हर्षपत अंकल, इतनी छोटी सी टंकी 6,000 की नहीं हो सकती। मैंने कब कहा 6,000 की, 3,000 की थी। झूठ, सफेद झूठ। अच्छा चले पापा, आप वो मुझे 3,000 वापस कर दें, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। तुम किस मुंह से पैसे वापस मांग रहे हो, तुमने तो मिलाए भी नहीं थे। अब ज्यादा परेशान नहीं हो, फिल्म देखो फिल्म। बात गोल मत करें, बाकी पैसे कहाँ हैं? हाँ जी पैसे वापस करें। पैसे वापस करें, पैसे वापस करें। अच्छा सच बात ये है रुकैया कि मुझे एक जरूरतमंद मिला था, मैंने वो पैसे उसकी मदद के लिए उसको दे दिया। अच्छा कौन है वो जरूरतमंद, मुझे उससे मिलना है। मनोड़ा में रहता है, सुल्तान को भेज दो मिल के आ जाएगा। क्या वो मनोड़ा से आया था मदद मांगने? अरे नहीं भाई, मैं गया था मनोड़ा। अरे अशु ये क्या, अकेले अकेले मनोड़ा चले गए, मुझे भी ले जाते तो क्या हो जाता। भैया पिकनिक पे नहीं गया था, मदद करने गया था, और अकेला भी नहीं था, शहरी मेरे साथ था। अच्छा वो था मनोड़ा। हाँ हाँ। अरे वहाँ तो पानी पानी होगा। नहीं नहीं वहाँ पे तो बहुत सारी झाड़ियाँ। चलो चलो, चलो भाई पानी आने का टाइम हो रहा है टैंक की तरफ, चलो भाई आ जाओ आ जाओ सब। कौन से मनोड़ा गए थे दुनिया के जहाँ पानी की जगह झाड़ियाँ थी? तुम ज्यादा क्यों सोच रहे हो भाई, था मनोड़ा में दूसरी तरफ झाड़ियाँ। अरे बेटा कुछ नजर आया? अब देखना क्या है? टाइटैनिक देखना है। सच में? हाँ खराब हो गया। बैरोस बेटा जरा झांक के देखो, और पानी गिरने की आवाज आ रही है नहीं? देख के अंदर नहीं लुढ़क जाना। अरे पापा अंदर तो एकदम बहुत सन्नाटा है। बहुत सन्नाटा? हाँ मुझे बेटा तुम छलांग लगा के देख। भाई मेरे छलांग लगाने से क्या होगा, अंदर तो अंधेरा है। भैया एटलीस्ट तुम्हारे छलांग लगाने से ये पता चल जाएगा कि टैंक में पानी है या नहीं है। वो कैसे? अरे भाई पानी होगा तो छपाक की आवाज आएगी, नहीं होगा तो पटाख की आवाज आएगी। वाह भाई, सारा दिन क्या बादाम पिस्ते खाते रहते हो, जो दिमाग W11 की तरह चलता रहता है। मेरी हड्डी टूट गई उसका एहसास नहीं है तुम्हें? हड्डी वाली बात मेरे दिमाग। अरे हशु क्या हुआ, कमरे में पानी आ गया क्या? नहीं नहीं, अभी अभी टीवी में खबर आई है कि पाइपलाइन फट जाने की वजह से 1 हफ्ते तक पानी नहीं दिया जाएगा। फिर तो रोड पे बड़ा पानी होगा, जा तौलिया और साबुन लिया शेरी ना कराते। कहाँ जा रहे हो? अब तौलिया और साबुन लेने। बैठो इधर, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो, रोड पे ना आएंगे। कितनी दफा मना करा, इस सड़क छाप को मुंह नहीं लगाया करो, घर में घुसड़ घुसड़ के लाते खाने खिलाने के लिए। बस बस रुकैया आपा, बच कर जाओ, अश्वत भाई की शादी से पहले तुम मेरे रक्षे में घूमती थी, मुझे पता है तुम कितनी हो कितनी नहीं, बच्चों की बीचियाँ खा जाती थी। बस करो भाई ये पुराने लड़ाई झगड़े, मोटर बंद करो सोने चलते हैं, पाइपलाइन फट गई टेंशन ही खत्म हो गई। पाइपलाइन फटने से टेंशन का क्या वास्ता? एटलीस्ट बात क्लियर हो गई कि पानी नहीं आएगा, वरना हम ये सोचते रहते कि पानी आएगा या नहीं आएगा। अब आराम से चल के सोते और बगैर पानी के रहने की आदत डाल लेते। चलो अरे क्या होगा, ढक्कन डालो ऊपर चलो और क्या होगा। अरे सांस भी नहीं ले सकेंगे बेचारे। अरे भाई 72 घंटे सांस रोकने का एक्सपीरियंस है अश्वत भाई के पास है। मुझे तू सच कह रहा है? अरे डाल ढक्कन। लगा भाई ढक्कन। बोलिए देव मैं ढक्कन बंद करूंगा। लगा लगा। सुबह नाश्ता भेज देंगे। आजा भाई। अब्बा माफ कर देना, गन गन में गई है, टेंशन नहीं ले। अरे सही बेटा, बेरोज मुजाहिद, अरे बड़े बेटा दम घुट रहा है बेटा मेरा, आप कोई हेल्प करो भाई मेरी। अरे सही शुक्र खुदा का मेरी हाइट अच्छी है,
ये लाश इन लोगों का मुझे छोड़ के चलेगा ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपसे ये पूछना था कि हुकूमत ने दरिया में स्पीड ब्रेकर बना दिए जो दरिया रुक रुक के बह रहा। मैं माजरत चाहूंगा जनाब, आपकी बात समझने से कासिर हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात दरअसल ये है कि पहले हमारे घर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था, अभी इतना मिली है कि पानी की पाइपलाइन फट गई है। अब इस मसले का क्या हल है? इस तकलीफ के लिए माजरत खा हूँ, पानी का मसला पूरे शहर में है। फिलहाल मसले का हल ये है कि आप पानी का टैंकर मंगवा लें। अच्छा, यानी सारे शहर में पानी का मसला है तो टैंकर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है? आवाम की भलाई के लिए हाइड्रेंट्स खीरा अंदोजी करते हैं। किस बात की भलाई, फ्री में टैंकर देते हैं क्या? पानी की लाइन दो हफ्ते में ठीक हो जाएगी। गुस्सा थूकिए जनाब। आप सामने आ जाएं, आपके मुंह पे थूक दूं। मोहतरम, जबान पे काबू रखें आप। मुझे तमीज मत सिखाओ, मुझे सब पता है टैंकर माफिया कौन चला रहा था। कौन चला रहा है? पप्पी। ये पप्पी कौन? पी फॉर पप्पी, राइट हैंड थाना। और अब कौन चला रहा है ये भी मुझे पता है। कौन चला रहा है? मौजी। ये कौन है मौजी? मन मौजी, जो दिल में आता है वो करता है। अब तुम लोग देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? तुम्हें क्यों बता दूँ सारा आइडिया? रखो फोन, रखो। खराब कर रहा है हमारा। बताओ जरा। अरे अब्बा क्या हो गया, सुबह सुबह किस पे तप रहे? सुबह सुबह से याद आया, रात जब मैं टैंक में गिरा था तुम वहीं थे। हाँ? तुमने देखा था टैंक का ढक्कन किसने बंद किया था? बैरोज ने। अच्छा, तुमने रोका नहीं उसे? मैंने तो शुक्र अदा किया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे शुक्र अदा कर, शुक्र अदा। अब जाओ जाके सुल्तान और मुजाहिद को छत पे लेकर आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। जाओ। क्या बात कर रही है? बता तुम। खड़े हो जाओ, कोई बात बगैर मार खाए। सब लोग आ गए हो, अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या क्या भाई? भूल गया। याद आ गया, याद आ गया। देखो, जैसा पैसा पैसे को खींचता है, ठीक इसी तरह मैं पानी को पैसे से खींचूंगा। वो कैसे? पाइपलाइन फट चुकी है, अब रोजाना घर में टैंकर डलवाना पड़ेगा। एक टैंकर का पानी तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, तो जो बचा हुआ पानी अगर हम मिनरल वाटर की बोतलों में भर के सप्लाई करें तो। वाह भाई, आपके पास तो आइडियाज के कारखाने। मतलब अब हम बड़े पैमाने पे दो नंबरी करेंगे? हाँ। ये तो फ्रॉड है, मैं नहीं करूंगा। सादा पानी पीने से तो लोग बीमार हो जाएंगे। अरे मैंने सब पता कर लिया, ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक गुर्दा खराब हो सकता है। लोगों के वैसे भी दो गुर्दे होते हैं और एक गुर्दे वाला खुदा को ज्यादा याद करता है, तो इसलिए नेकी के चांसेस भी है। और सुल्तान, इसमें कमाई बहुत है, शेर का हाल तो तुझे पता है, लोग मिनरल वाटर ही पीते। बाजार में जो बोतल 100 रुपए की मिलती है वो हम 80 रुपए में बेचेंगे। एक टैंकर में 3000 लीटर पानी होता है, 1000 लीटर पानी भी हमने बेचा ना तो टैंकर के पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर पकड़े गए तो? अरे भाई, हमारे पास तो किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। अरे उसकी टेंशन मत लो, 40 सर्टिफिकेट लाइसेंस वगैरह सब मैंने बनवा लिया, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है हमें रोकने की। और मेरा एक दोस्त है कबाड़िया, उसके पास तो ऐसी बोतलें आती रहती है, अल्लाह अल्लाह करके बोतलें उठाते, साफ सफाई करके सप्लाई शुरू कर देते भाई। ये अच्छा है। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आप सबका फोकस मुझे कन्विंस करने पर क्यों है? अब वो इसलिए है कि इस कार्य खैर में तुम इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्या? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई अब बता, इस काम में बेतहाशा प्रॉफिट है और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तुम्हारा। क्या वाकई? हाँ भाई। डन डन डन। मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा भाई। अच्छा देखो, तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो, 3000 के 50, एक दिन के 50, 2 दिन के 1,00,000, 2 दिन के 4,00,000, 4 दिन के 8,00,000। बस तेरा यही कॉन्फिडेंट तुझे गलत करेगा। हैं? क्या कह रहे हैं? बकवास कर रहे हो मुजाहिद, ऐसी ऐसी बोल रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बाकी का काम समझाता हूँ, आओ आओ। हसमत भाई, ये इमरान भाई है। इमरान भाई, ये हसमत भाई। हसमत भाई, ये पानी का डीलर है। इमरान भाई, डील लेकर आया हूँ, डील कर लो। नजर आ रहा है बिला वजह की बातें कर रहे हो। हाँ भाई, बात समझ में आ गई है, क्या करना है? हाँ समझ में आ गई। रोज के रोज कितनी बोतलें दोगे? 30 बोतलें। नहीं, 30 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। 50 तो बहुत हो जाएगी। नहीं नहीं, आज दे देंगे 50 बोतलें दे देंगे, ठीक है? 80 रुपए बोतल दूंगा। डन डन, पैसे रोज के रोज लेके जाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आदमी। हाँ भाई, देखा, एक चीटर दूसरे चीटर के काम आ गया। सर किसको बोल रहे हो? किसको बोल रहा है चीटर? हाँ बताओ किसको बोल रहे हो? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, क्लियर बताओ किसको बोला है? सत्तार प्लम्बर की बात कर रहा हूँ, रणछोड़ में यार, उसका वो करता है मेरा हिस्सा। कारोबार तो शुरू होने दो, पहले हिस्सा चाहिए। वैसे ये बोतलें बेचोगे किसको? ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा मसला है। बोतलें किसी को भी भेजू, अपने काम से काम रखो। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। अश्मत भाई, ये ड्रग डीलर भी है, क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो? पानी के डीलर का बोला था ड्रग डीलर? मैं मजाक कर रहा था, मजाक, सॉरी सॉरी। ओके, बाद में मिलते, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओ, अंदर गोदाम में कहाँ जा रहा है? इधर। सॉरी सॉरी। ड्रग का नाम सुन के तुम तो सटिया गए, गोदाम में घुस रहे हो। पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।
सारे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, हालो कसम इससे हाथ न लगाएंगे। अरे हर्षू भाई, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में इतनी जल्दी जल्दी पानी क्यों खत्म हो रहा है। अभी टैंकर डलवाया था फिर खत्म हो गया पानी। असल में दो दिन बाद पानी आया, सब लोग प्यासे थे इसलिए ज्यादा खर्च हुआ। अरे बहरोज बता रहा था, उसने खुद देखा है खाली बोतलें नीचे से जाते हुए, भरी हुई बोतलें नीचे आते हुए। ये बहरोज है किधर? खुद तो नौकरी करता नहीं है, दूसरों की दो में लगा रहता है। बहरोज 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 जरा संभाल कर जाना। बहरोज तुमने रुकैया, ये देखो तुम बहरोज की बातों में आके मुझ पे शक कर रही थी, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है नवाब साहब, कमरे में पानी जमा कर रहा है। अरे पापा, मैं ये सारा पानी इसलिए सेव कर रहा था, अगर पानी ना आए तो हमें नाने धोने की लिए परेशानी ना हो। अब बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है बहरोज, तुम पानी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। हम पानी घूट घूट करके पी रहे, यहाँ पर जखीरा अंदोजी का बाजार गर्म है। अरे पापा, मैं बिस्मा की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया था, ये सारा पानी जमा करने का मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। अरे तो क्या हो गया, ऐसा कौन सा गुनाह कर गया, सिर्फ चार छह बाल्टी तो पानी जमा किया और इससे कौन सा टैंक खाली हो गया। पानी चार चार छह छह करके कितनी बार तुम लोगों ने बाल्टियां जमा की होंगी। कितनी कितनी बार क्या मतलब, सिर्फ एक एक बार ही जमा किए। हो सकता है तुम लोग पानी में मछलियाँ डाल के बेच रहे हो। कैसे फजूल बातें कर रहे हैं आप, और वैसे भी दो नंबरी वाले काम ना आप पर ही जश्न है। बहरोज समझाओ अपनी बीवी को, मेरे साथ जबान दराजी कर रही है वरना इसी बाल्टी भर पानी में तुम्हें डुबो के मार दूंगा मैं। बहरोज क्या तुम वाकई में मछलियाँ बेच रहे हो? अगर तुम मछलियाँ बेच रहे हो ना तो मुझे गोल्ड फिश का पेयर दे देना, मुझे बहुत पसंद है भाई। अरे सुल्तान भाई, नहीं है हमारे पास कोई मछलियाँ। तो फिर इतनी सारी बाल्टियों में पानी जमा करने का क्या मकसद है, बड़ी दरी चांदनिया और तंबू दुल्हे हैं? अरे अम्मा, ये हशमत अंकल कोई दो नंबर ही कर रहे होंगे और बहरोज को फंसवा रहे। दो नंबर ही तो तुम लोग कर रहे हो, इंशाल्लाह देखना इन बाल्टियों में सुराख हो जाएगा और सारा पानी फर्श पे फैल जाएगा। सही इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग मुख्य पानी का। चले सुल्तान, मिल गया सुकून आपको बहरोज को फंसवा कर। बहरोज समझाओ इसको, ज्यादा मेरे साथ जबान चलाने की जरूरत नहीं है। नी हाथ में रहो और ये पानी ढक के रखो, वरना डेंगू के वायरस पैदा हो सकते हैं। बुखार हो गया, तुम्हारे शौहर के पास इलाज के पैसे नहीं है, हमसे ही उधार मांगता फिरेगा। शरी बेटा डिस्पेंसर की बोतल चेंज कर दो। नहीं नहीं मैं नहीं यार, रोजाना तो मैं करता, किसी और से करवा ले। तो क्या हो गया, मैं क्यों करूं? अब तो तुम ही चेंज करोगे। चलो बोला अरे हश्यू हश्यू, अरे रुकैया, ये पानी का जायका इतना अजीब सा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत अरसे से खुली रखी हो। हाँ ना, यही वाला पानी पी के तो शहरी बेहोश हो गया। क्या शहरी बेहोश हो गया? हाँ, वहाँ टेरिस में बेहोश पड़ा हुआ है। और तुम मुझे अब बता रही हो, इधर उधर की बातें कर रही हो, मुझसे खड़े हो गए तुम, खुद ही पानी पे कर रहे हो बातें। रुकैया यही तुम्हारी हरकत है, इसी वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा था। दूसरी नहीं तीसरी। जी नहीं, दूसरी थी, पहली बीवी मर चुकी है। इस हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास टोटल कितनी शादियों की गुंजाइश मौजूद है। तुम हो गई अब पहली, तो मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ मैरिज कर सकता हूँ अभी। अच्छा, अपनी शादी की तफसीलात मुझे बाद में समझाना, पहले उस कुंवारे लड़के को तो होश में लाओ। हाँ सर, लाओ आओ, तुम भी तो इधर उधर की बातें कर रही हो। मैंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन का? ये तो स्टेथोस्कोप है। जब आप बाहर गए थे तब लगाया था। अच्छा अच्छा, अच्छी बात ये है कि ना उल्टी हो गई है। मैं अच्छी बात क्या है? मैं गंदा पानी इनके जिस्म से निकल गया। ओ, अब खतरे की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? खतरे की कोई बात नहीं है, पानी पिलाने में थोड़ा एहतियात करें, किसी अच्छी कंपनी का पानी पिलाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो अच्छी कंपनी का पानी आता, सुबह ही मुजाहिद देके गया है मुझे पानी। क्या मुजाहिद पानी लेकर आया था? हाँ ना, पांच बोतलें देके गया, 500 रुपए लेके चला गया। देख रहे हो, इसमें भी चूना लगा के चला गया। मैंने तो पहले ही कहा था, जो गलत दूसरों के लिए खोदता है ना, वो खुद ही उसी में गिरता है। नाना कहना क्या चाह रहा है? अरे असल में ये बताना चाह रहा है कि केएमसी वालों ने रोड पे गड़ा खोदा था पाइपलाइन डालने के लिए, उसमें केएमसी का अपना ट्रक ही गिर गया, बताओ। अरे कैसे बाप है आप, आपका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है और आप हंस रहे हैं। इंसान वही होता है जो तकलीफ में मुस्कुराता है। अच्छा मैं चलता हूँ, लाए मेरी फीस। कितनी फीस है डॉक्टर साहब? 2000 क्लिनिक पे तो आप 500 रुपए लेते हैं। भाई दुकान पे मोटर मैकेनिक भी गाड़ी स्टार्ट करने के 500 लेता है, मैं तो आपके घर आया हूँ, डबल फीस तो बनती है। आप मोटर मैकेनिक है, ये मोटर है। नहीं मैं तो ऐसी मिसाल दे रहा था। गलत मिसालें देने की जरूरत नहीं है सुल्तान, 500 रुपए दो इन्हें। वो भी मैं दूं? अरे भाई दे दो अभी, दे दो। ये 500 नहीं 2000 रुपए चाहिए। चलो भाई उठो, ऐसी उठो जाओ। अच्छा ला भाई वही दे दे यार। आ गए फौरन औकात पे, दो भाई जल्दी दो, पैसे नहीं निकलते जेब से। शेरी बेटा, शेरी मेरी जान। हेलो फंटरमैन, अरे ये क्या हो गया मेरे दोस्त शेरी को?
शरी पापा यही है वो दरिंदा जिसका लाया हुआ पानी पीकर मेरे मासूम भाई शरी की हालत हुई है। पापा आज इसे छोड़ेगा मत, इस पर नाजिल कर दीजिए अपने कहर। पानी तो वो मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे बेटे की जान लेना चाहता है? नहीं नहीं रुकैया, ये गलत पानी पिला के मेरे बच्चे को मारना चाहता था। अरे पापा छोड़ो उसे। नहीं नहीं सामने आने दे, छोड़ो उसे, छोड़ो। किया जा रहा है ना अजमत भाई का, ये वो जो पानी का टैंकर मंगाया ना उसी का पानी घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और वही मिनरल वाटर की बोतलों के अंदर भरा जा रहा है, दुकानों पर सप्लाई हो रहा है, वही पानी आप लोग पी रहे हो जिसकी वजह से शेरी की ये हालत हुई है। अरे अशु शर्म नहीं आई अपने बच्चों के साथ चीटिंग करते हुए, हैं गंदा पानी भेज दिया। अरे छोड़ो मुझे, मैंने नहीं भिजवाया गंदा पानी और चीटिंग ये कर रहा था। 80 रुपए की बोतल 100 रुपए में देके दिया, पूरा 100 रुपए का नुकसान बचाया इसने हमें। अच्छा इसकी 100 रुपए की करप्शन नजर आ रही है, अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही है आपको? ये तो पहले ही शक था, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप इतना गिर जाएंगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे पापा कैसे इंसान है आप, आपको शर्म नहीं आती अपने इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलते हुए? एक डायन भी साथ कर छोड़ कर वार करती है, एक मगरमच्छ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। मैं तो समझती थी आप शहरी से प्यार करते हैं। अस्मत भाई तुम तो आस्तीन का सांप हो सांप, अगर आप इतने ही खून के प्यासे हो तो मेरा खून बहा दो, इस माँ की गोद मत उछाड़ना। मैंने तो कहा था ना कि जब तक इस शख्स की अपनी औलाद पे नहीं पड़ेगी ना ये कभी नहीं सुधरेंगे। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें को मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं इस इलाके में आलूदा पानी नहीं बेचूंगा। आए हाय तो घर कैसे चलेगा भाई, किसी और एरिया में जाके बेचूंगा। ये शख्स कभी नहीं सुधर सकता। मुझे भेजूंगा शेरी। शेरी अबे भाई अपने ही घर में, अबे हमने बिलावजा अस्मत भाई को डांट दिया, ये तो नफ्सियाती केस है। ओ अस्मत भाई, ओ अस्मत भाई। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। फिरोजी क्या हरकत है, दरवाजा खुलवाओ। बहुत बुरी हरकत है पापा, दरवाजा खोले पापा, दरवाजा खोले यार पापा। क्या मुसीबत है ये दोपहर के वक्त पे, फरमाइए किससे मिलना है। क्या मतलब फरमाइए किससे मिलना है, क्या कर रहे हैं आप हमारे कमरे में, ये क्या हरकत है। ये तुम्हारा कमरा था, तुम लोग अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए थे ना। हम घर छोड़ के नहीं गए थे, सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे और अब तो वापस आ गए। अरे यार बेगम मैं आपको समझा भी रहा था कि मत करें, मत जाए यहाँ से, कमरे पे कब्जा हो सकता है। लो हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, इस कमरे की सेटिंग मैंने अपने हिसाब से करी, तुम और फिरोज छोटे कमरे में एडजस्ट करो। अब इस मास्टर बेडरूम में मैं और रुकैया रहेंगे। ओके गुड बाय। पापा फिरोज।